दिखा दिया। हाँ जी, हाँ जी, ले लिया आपका। गांधी जयंती, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हमें स्वच्छता के लिए शपथ लेनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता के अंदर अपना गूढ़ विश्वास रखते हैं, तो आप सबको भी इस काम के लिए लगना चाहिए। आज मैंने 15 लोगों को ये शपथ दिलाई है कि इस पार्क में कचरे के रूप में जो भी 10-15 चीज़ें होंगी उसको उठा के ये डस्टबिन में डालेंगे। आज समय है कि हम सब लोग, अभी पीछे भी कोविड का काल भी गया है और उसके अंतर्गत और उसके बाद जिस प्रकार से हमारे लोगों ने सफाई अभियान की शुरुआत की है, हम सब लोग मिलकर इस काम को करें। निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र का ये पार्क उन्नत होगा और इसकी उन्नति से ही हमारे व्यक्तियों की, हमारे बंधुओं की, बहनों की जान का जोखिम हो गया था एक समय, वो ऑक्सीजन की कमी से पूरा कर दिया जाएगा। मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि जो लोग भी इस सीडी को या कैसेट को देखें, स्वच्छता के प्रति हमेशा तत्पर रहने का अर्थ ले। मुख्यमंत्री जी ने इस पार्क के लिए एक ग्रांट दी है जिसके माध्यम से हम इस पार्क को नवीनीकरण करने जा रहे हैं और सौंदर्यकरण करने जा रहे हैं। 30 से 35 लाख रुपए इस पार्क को दान में दिए गए हैं इस पार्क को, और उससे हमारा मनोबल और हमारी स्वच्छता का रिकॉर्ड भी अच्छा रहेगा। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा उन लोगों का साथ दिया है जो उनके साथ कभी न कभी जुड़े रहे हैं, और आज जो प्रदेश के अंदर हालात हैं उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी लोगों के लिए एक संदेश दिया है कि आप स्वच्छता जरूर करें और अपने एरिए में ये काम को बनाने का संकल्प लें। सर, भिवानी शहर के जितने पार्क ऐसा है कि हमारा ठाकुर बीर सिंह पार्क और चौधरी बंसी लाल पार्क और सुरेंद्र सिंह पार्क, इनमें विशेष ग्रांट दी हुई है जिससे इन पार्कों का नवीनीकरण हो। एक पार्क हमारा नेहरू पार्क कमेटी का अंतर है, नगर परिषद के अंतर है, वो उसको संभालेंगे। बाकी सभी पार्कों की देखभाल केंद्र से हमारी और मुख्यमंत्री के नाते मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं वे बेहतरीन काम किए हैं, और आने वाले समय में वो बहुत बड़ी संख्या में जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे। सर, शहर 25 करोड़ रुपए तो डायरेक्ट हमारे को दिए हैं जिसके माध्यम से हम सड़कों का एक जाल शहर के अंदर बिछाने जा रहे हैं, और हमारा 709 बनकर तैयार होने जा रहा है, और इसके ऊपर पुल का निर्माण डबल लाइन के द्वारा किया जाएगा। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार हो रहा है, और सारे काम हम केंद्र से और राज्य स्तर पे जो भी काम पेंडिंग है उन सब का बजट लाने का काम कर रहे हैं।